हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अग्रवाल कुकिंग क्लासेस। आज मैं आपके साथ कंडेंस मिल्क की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स में और जो कि हमारे घर पे अवेलेबल होते हैं, ऐसे इंग्रेडिएंट्स से आज हम कंडेंस मिल्क मतलब ही मिल्क मेड घर पर बना सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है और बिल्कुल मार्केट जैसा बनता है, और ये हम किसी भी मिठाई में, खीर में, केक में और कोई भी डेजर्ट्स में इसका यूज़ हम कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसमें हमको कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको लगेगा फुल क्रीम दूध, जो कि मैंने आधा लीटर लिया हुआ है, मतलब 500 ml लिया है। उसके बाद लगने वाली है शक्कर, जो कि मैंने लिए 100 ग्राम्स, और एक पिंच बेकिंग सोडा। जो सोडा हम हमारे घर में आसानी से हमें मिल जाता है, वही एक पिंच बेकिंग सोडा हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं मिल्क मेड बनाने की प्रोसेस। सबसे पहले हम दूध को उबालने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम दूध को उबलने के लिए रखेंगे और इसे हिलाते हुए हम उबलने देंगे। फ्रेंड्स, इसके लिए हमको फुल फैट क्रीम जिस मिल्क दूध में है वही दूध का इस्तेमाल करना है। मतलब ये आप गाढ़ा वाला दूध ले, इससे हमारा कंडेंस मिल्क बहुत ही अच्छा बनता है। सबसे पहले हम ये दूध उबलने तक पकाएंगे इसको। इसमें एक उबाल आ जाएगा, उसके बाद हमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करने हैं। इसे हम कंटिन्यू चम्मच से हिलाते रहेंगे ताकि दूध जो है वो कढ़ाई से चिपके नहीं हमारा। और इसके लिए हमें हेवी बॉटम वाला बर्तन यूज़ करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे दूध में उबाल आ गया है। अब इसे हम हिलाते रहेंगे 2 से 3 मिनट ऐसे ही, और फिर थोड़ी थोड़ी शक्कर इसमें हम ऐड करते जाएंगे। और इसी तरह इसको थोड़ी थोड़ी शक्कर मिलाते हुए हम हिलाते जाएंगे ताकि दूध हमारा चिपके नहीं, जले नहीं। लास्ट में हम सारी शक्कर इसमें मिला देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे दूध में हमने सारी चीनी मिला दी है, थोड़ी थोड़ी करके 2 या 3 बार में। इसके बाद अब हम इसमें एक पिंच जो बेकिंग सोडा हमने लिया हुआ है वो हम डाल देंगे। बस एक पिंच सोडा डालकर इसको हमें अभी कंटिन्यूअसली हिलाना है, और जब तक ये दूध हमारा पककर आधा हो जाएगा तब तक इसे हम पकाते जाएंगे। अब इसमें थोड़ा बेकिंग सोडा डालने की वजह से झाग जैसा तैयार हो गया है। इसे हम ऐसे ही धीमे आंच पर पकाते जाएंगे, ये आधा रह जाएगा तब तक इसे हम पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो हमने दूध उबलने के लिए रखा था वो कितना अच्छा सा भी थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है।
और 10 एक मिनट हम इसको उबालेंगे। बिल्कुल भी हम कंटिन्यू हिलाते रहेंगे इसको, और साइड से वगैरह का बिल्कुल चिपकने नहीं देंगे, तो हमारे मिल्क मेड का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा। और 10 मिनट इसको हमें उबालना पड़ेगा, टोटल 15 से 20 मिनट में ये हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो दूध हमने उबलने रख दिया था वो आधे से थोड़ा सा कम रह गया है। अभी भी हम 2 से 3 मिनट तक इसको और उबलने देंगे। इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है और इसकी ये इतना गाढ़ा है, इसे और भी ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। इस हिसाब से हमको उसको उबालना है कि ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा होता है। इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के आप यूज़ कर सकते हैं। 1 महीने तक ये ख़राब नहीं होता है, फ्रिज में आप रखो। ये बिल्कुल बाजार जैसा बनता है, मार्केट जैसा, बहुत ही कम खर्च में हम बना सकती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मिल्क मेड बन के रेडी हो गया है। अब ये थोड़ा सा गर्म है, ये ठंडा होकर इसकी कंसिस्टेंसी और भी थोड़ी गाढ़ी होगी। कलर बिल्कुल परफेक्ट आया है और टेक्सचर भी बिल्कुल अच्छा आया है, कहीं से भी हमारा कहीं भी चिपका नहीं है, तो बिल्कुल भी एकदम प्लेन टेक्सचर आया है इसका, एकदम क्रीमी। तो आप इस मिल्क मेड को ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, और हमें बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे रेसिपीज़ आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।